समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। गरीब आदिवासियों ने अपने बच्चों को भेजा तो था पढ़ाई के लिए, लेकिन छात्रावास में उनके साथ बंदियों जैसा सलूक हो रहा है। उन्हें भरपेट भोजन तो मिलता नहीं, ऊपर से मजदूरों की तरह काम कराया जाता है और मारपीट की जाती है। यह आरोप वनवासी छात्रावास सारमऊ झांसी के बच्चों व उनके परिजनों ने लगाए हैं। जिलाधिकारी व SSP को दिए गए प्रार्थना पत्र में बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि वह लोग चिरगांव ब्लॉक के ग्राम नरी के आदिवासी हैं। उनके बच्चे रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम सारमऊ स्थित वनवासी छात्रावास में पढ़ते हैं। बच्चों को खाने में सिर्फ चावल दिए जाते हैं। उन्हें कड़कड़ाती ठंड में सुबह से मैदान में सफाई कार्य में लगा दिया जाता है। जो बच्चे काम नहीं कर पाते उनकी मारपीट छात्रावास संचालक द्वारा की जाती है। बच्चों को धमकी दी जाती है कि अगर घर पर कुछ बताया तो ठीक नहीं होगा। मारपीट से कई बच्चों की हालत भी खराब हो चुकी है। परिजनों ने बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार व शोषण के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। शिकायत करने वालों में सुखलाल, रामकुमारी, मीना, मन्नो, मालती, आरती, रामरति आदि अभिभावक शामिल रहे। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मेरे बच्चे सारमऊ पढ़ते हैं और उनको खाना में चावल दिया जा रहा है। वो सुबह से उठाते हैं तो भी लड़के मतलब चावल बनाते हैं खाना के लिए, चावल आदि रोटी दाल ऐसे खाना में दिक्कत है। कितने बड़े लड़के हैं? 8 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 के हैं, मतलब सब हैं, हैं। और उनको मतलब खाना में दिक्कत दी जा रही है तो उनको मारपीट करते हैं। सुबह से उठा देते हैं सुबह 6 बजे से, तो वे घास मास सब सफाई करवाते हैं, हैं। वो बस मारपीट करके वो फिर भी कहते हैं कि क्यों माँ बाप से कहोगे तो तुमको और भी मारेंगे हम, हैं। ये कहते हैं वो तो बच्चे माँ से ना बाप से कुछ भी नहीं कहते हैं। कहाँ का मामला है ये? सारमऊ का। आपको कैसे?